हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ततला फैमिली। कैसे हैं जी सब दोस्त? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं जी, ट्रेलर आ गया भाई जान। मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में एक मोड़ आया, तो मैं दिल उठे छोड़ा, मैं उठे बारिश छोड़ा यार। बारिश वैसे आजकल यही आजकल तो यही बनता है ना, बारिश छोड़ा यार, तरफ रेन रेन रेन। अच्छा मेरे ख्याल में हमारे तरफ तो भाई रेन 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 ही चल रहा है आजकल। बाकी ट्रेलर आ गया भाईजान गदर 2 का, गदर 2 और 36 मिलियन व्यूज इन लास्ट 17 आवर्स, 17 घंटों में 36 मिलियन। अच्छा गदर 1 जो थी एक प्रेम कथा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी, और गदर 2 भी उससे रिलेटेड ही होगी आई थिंक, उसी को आगे ले कंटिन्यू किया गया होगा। और गदर 1 अपने टाइम की तो बेस्ट मूवी जो है वो, बहुत फेमस है। उसके सॉन्ग, स्टोरी, मतलब एक्शन सनी देओल का सब लेवल था। अब गदर 2 में क्या कुछ है ये तो आज का जो अब हम ट्रेलर देखेंगे तो तब पता चलेगा। तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं, तो चलते हैं जी ट्रेलर की तरफ। आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं। तुझे तारा सिंह को पहचानते नहीं? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर और सड़क में एक मोड़ आया, मैं वो दिल छोड़ आया। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए, तुझे बचाने जरूर आएगा। हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं जीते वापस लेके आऊंगा। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बाप यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छा, जितना ज्यादा एक्साइटेड स्टाइल में मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था ना, इसका इंट्रो दिया था, उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, मतलब इसका ट्रेलर देखने के बाद जिस तरीके से। अच्छा बहुत सारी मूवीज मतलब हमने देखा है कि जो बॉलीवुड की बनती है ना, उसमें पाकिस्तान को डिग्रेड बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब और एज अ पाकिस्तानी, मतलब मैं हूँ या कोई भी है तो पाकिस्तानी जो है वो इस मूवी को मेरे ख्याल में लाइक नहीं करने वाले, क्योंकि सबसे पहले कंट्री की बात आती है तो जितने पेट्रियोटिक आप लोग होते हैं ना अपने देश के लिए, उतने ही हम होते हैं। मतलब कोई भी बंदा वो कहीं भी रह रहा होता है ना, वो उतना ही पेट्रियोटिक होता है। तो
अब बात जब तक जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म की हद तक ठीक है। पता है जी हमें पहले भी हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, बॉर्डर देखी, ये वो गदर वन देखी, उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जो कि बनती रही हैं। रेफ्यूजी फिल्म थी एक जो कि इस तरह की बनती हैं। बाकी ये है कि स्टोरी एक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ वीक जरूर नजर आ रही है मुझे, कि एक बेबुनियाद चीजें जो हैं इसमें ज्यादा दिखाई गई हैं। हेट मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, हेट का टाइम नहीं है, खत्म हो गया। ये लोग सिर्फ, मैं छोटी सी बात करूंगा, ये लोग सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा दिखा सकते हैं कि हम पाकिस्तान। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज, जब सनी देओल मतलब आए थे रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर जब ओपन हुआ था, तो इमरान खान साहब और नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं स्पीच कर रहे थे, तो वहां पर सनी देओल भी बैठे हुए थे करतारपुर जब कॉरिडोर ओपन हुआ था, तो वहां पर सनी देओल साहब का जो बिहेव था, तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि यार जो भी मूवीज पंजाबी मतलब जितनी भी मूवीज बनती रही है ना, उनमें अगर बात करें तो बहुत सारी मूवीज जो के आप ये कहें कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए कुछ उसमें दिखाया गया हो कुछ ऐसा, तो उसमें सनी देओल का जो रोल था ना वो होता था मेन, मतलब मोस्टली सनी देओल को वो कास्ट करते थे उस मूवी में, हालांकि गदर वन जो मूवी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, उसमें अमरीश पुरी साहब का जो रोल था, बेशक वो जैसी भी थी जो भी बनाया गया, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी, अच्छी स्टोरी थी। इधर देखे ना कि पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बना के सनी देओल का जो रोल इन्होंने प्ले किया है वो एक तरह का सिंह के रूप में किया हुआ, और इनको पता है कि सिंगों का और पाकिस्तानियों का भाईचारा ज्यादा आपस में, ये चीज आपने नोट नहीं की बताया, लेकिन सनी अब तारा सिंह मतलब एक्चुअली पंजाबी बताया, तारा सिंह बनाया इसमें, इसमें तारा सिंह बनाया गया ना, और यही चीज है कि आप ही राइट नो जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से फ्लड आया वहां पर और यहां पर पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ भाईचारा कुछ ज्यादा बढ़ गया हुआ है, बस ये चीज के मुकाबले मूवी मतलब चलेगी इंडिया में चल जाएगी बेशक, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाकी ये कहते हैं कि आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे फिल्म में दिखाया है कि जो उसने कहा है कि जाके अपने अल्लाह नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह के दुआ करके मेरा पापा यहाँ पर ना आ जाए, मैं अब बात करूंगा पापा साहब का, वो जो एक वो भी आया था नहीं वो मतलब बात ये होती है कि ट्रेलर देखना और बंदे ने अपना रिव्यू देना, बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे अप्रिशिएट कर रहे होंगे, हाँ जी ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, हमारा जो रिएक्शन होता है भाईजान स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, क्यों हमने सीधी बात करनी होती है, जो चीज हमें अच्छी लगेगी हम कहेंगे हाँ सपोर्ट करेंगे अच्छी है, जहां पर हमें बुरा लगेगा हम वो नहीं है कि हाँ जी व्यूज के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, जी हाँ बस जी ठीक है जी, जो गलत है उसको भी ठीक करते जाए, नहीं बिल्कुल नहीं है इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ आएगा तो डेफिनेटली आप बुरा लगेगा, अपने मुल्क के खिलाफ तो बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार मेरे मुल्क, मैं उस मुल्क में रहता हूँ, मेरे मुल्क के बारे में कोई बात, लेकिन अब देखा जाए तो इस तरह की वीडियो आ भी नहीं रही पाकिस्तान, अच्छा बड़ी देर के बाद छोड़ी, इतनी देर के बाद छोड़ी, मतलब मुझे लगता है हम 9th-10th में होंगे जब ये वीडियो आई थी, और तब की बात 2015-16 या 13-14 तक की बात है, बाकी इसको एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर एज अ मूवी अगर हम देखेंगे तो बढ़िया मूवी है, लेकिन रियलिटी का इसके साथ कोई दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि अब इस तरह होगा कि इंडिया के अभी तो हेट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो अंजू भी आ गई है ना, तो चीजें जो है वो चेंज हो रही है सारा कुछ, अंजू अंजू। और बाकी अगर हम ट्रेलर की बात करें तो अच्छा था, मूवी के हिसाब से, मूवी के हिसाब से देखें, एक्शन के एक्शन के हिसाब से, उनके डायलॉग्स के हिसाब से, अब नफरतें ये चीजें तो वैसे ही खत्म हो रही हैं, जो चीजें ये दोबारा दिखा के, यार एक चीज है कि अगर हमारा मीडिया पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया एक प्रोपोगंडा करता जाए, पाकिस्तानी मीडिया प्रोपोगंडा करता जाए एक दूसरे के खिलाफ, तो दिलों में जो नफरतें हैं वो और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हमने क्या करना है, हमने इन नफरतों को दूर करना है, नफरतों को कम करना है,
और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, और इंडिया का जो कॉमन पीपल है, वो एक दूसरे से अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। हाँ, राइट, लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल राइट। नो अभी हमने देखा है रिसेंटली जो इब्रार हैं, वाइल्ड लैंड्स वाले जो मतलब पाकिस्तानी बाइकर हैं, वो इंडिया में घूम के हैं, जितना प्यार उनको मिला है, लोगों का जो मोहब्बत थी हमने देखा है, तो यकीन करें कि हमें भी फख्र होता था कि यार हम भी जाएं भारत, हम भी जाएं, घूम के। इतना प्यार लोग दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, और मुझे पता है लोग देते हैं, वो इज्जत भी देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। जब कोई इंडियन पाकिस्तान में आ जाता है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन मूवीज में भी हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत वाली चीजें जो है ना वो दिखाई जाए, ताकि पॉजिटिव पॉइंट की तरफ हर बंदा है। बाकी हर बंदे का अपना विचार, हर बंदे के अपने रिव्यूज, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को देखने का, हमारा जो था हमने आपके शेयर किया है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और मूवी हम तो यही चाहते हैं कि कामयाब हो, अच्छी हो, जिन्होंने पैसा लगाया उनका मतलब उनको पे आउट मिले, उनको मतलब रिवार्ड मिले उसका। बाकी एज अ पाकिस्तानी अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये मूवी कहीं ना कहीं डिस हार्ट जरूर करेगी। बिल्कुल।